Morning students, today we are going to discuss about luminous and non-luminous bodies. आज हम luminous and non-luminous bodies के बारे में discuss करेंगे. Students like sun, stars and all these objects which emit light. वो सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं, इंक्लूडिंग सन, स्टार्स, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, एनीथिंग एल्स जो आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, जो मैन मेड सोर्स के भी इंक्लूड आते हैं, स्टूडेंट्स ये सारे ऑब्जेक्ट आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती है, राइट, जो कि लाइट को इमिट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स सच बॉडीज विच गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज. सो वी कैन सी स्टूडेंट्स, वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट, हम इनको देख सकते हैं बिकॉज जो ये लाइट इमिट करते हैं वो डायरेक्ट हमारे आईज पर पड़ती है, इस वजह से हम इनको देख सकते हैं, राइट. स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अराउंड अस, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्स, वो लाइट को इमिट नहीं करते खुद से, वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम ब्लर्ड, वो वहाँ पर ब्लर हो जाते हैं. सो इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, पिन होल कैमरा. सो वॉट इज द पिन होल कैमरा, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर. नेचर में एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है. आप कैसे उस कैमरे को देख सकते हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं? सो स्टूडेंट्स इज अ कैमरा जो कि बिना लेंस के होता है, क्योंकि सारे कैमरे क्या होते हैं, उनमें लेंस होता है. सो पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसमें लेंस नहीं होता. ओके, और ये हम कैसे इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम जाते हैं एक ऐसी जगह, व्हेन वी पास टुवर्ड्स द एरिया जहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे घने पेड़ होते हैं, पत्तियाँ होती है, लार्ज नंबर ऑफ लीव्स पेड़ से निकली रहती है. सो स्टूडेंट्स उस एरिया पर क्या होता है, जो सनलाइट पड़ती है, ओके, तो आप देखेंगे लीव्स के बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, राइट. सो वो जो स्पेसेस होते हैं उनके रास्ते आपकी सनलाइट ग्राउंड तक पड़ती है. सो वो स्पेसेस आपके क्या कहलाते हैं, पिन होल कैमरा. वो एक्ट करते हैं पिन होल कैमरे के जैसे. और स्टूडेंट्स अंडर द ट्री आपको स्मॉल पैचेस दिखते हैं, सर्कुलर पैचेस देखने को मिलते हैं, जो कि इमेज होती है किसकी, सनलाइट की, सन की फॉर्म्ड होती है इमेजेस, या शेडो आप कह सकते हो, शेडो फॉर्म होती है किसके द्वारा, सन के द्वारा. तो इस पूरे प्रोसेस में जो आपके स्पेसेस है बिटवीन द लीव्स जहाँ से आपकी सन एंटर कर रही है, सो वो स्पेसेस आपके क्या कहलाते हैं, देयर इज अ नथिंग बट एक्ट एज अ पिन होल कैमरा, या पिन होल्स के जैसे वो जो स्पेसेस है लीव्स के बीच में वो एक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स. इसी तरीके से जो आपके स्मॉल पैचेस है जो कि आपको अंडर द ट्री देखने को मिल रहे हैं, है आपके शेडो है या इमेज है जो उस पिन होल कैमरे के द्वारा फॉर्म हुई है. ओके, फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा, देयर इज अ शेडो, दीज आर शेडो फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा यू कैन सी. ओके, सो ये था आपका ऑल अबाउट पिन होल कैमरा के बारे में. और जो लीव्स के बीच में मैंने आपको बता दिया स्पेस है, वो आपका एक्ट कर रहा है पिन होल्स के जैसे. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ल्यूमिनस बॉडीज़ के बारे में हमने जाना और पिन होल कैमरा के बारे में हमने जाना. ओके, सो नोट डाउन इट इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.